पोस्टर से बड़ी रात, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने शहीद दिवस पर गुरुवार को जंतर मंतर पर एक सभा आयोजित कर मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। सभा में दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों से लोग पहुंचे और पार्टी के ऐलान किया है कि 30 मार्च को देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जाएंगे। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के लोगों के सामने एक प्रश्न रखते हुए पूछा कि क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। वो कहते हैं कि खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन उनकी पार्टी में आकर करो। दिल्ली में पोस्टर चिपकाने पर हुई एफआईआर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय भगत सिंह ने खूब पोस्टर चिपकाए थे, लेकिन एक एफआईआर नहीं हुई। भगत सिंह को क्या पता था कि 100 साल बाद एक पीएम आएगा जो पोस्टर चिपकाने पर 138 एफआईआर कर देगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, वरिष्ठ नेता एवं मंत्री अतिश और इमरान हुसैन, पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल चीमा, बलवीर सिंह, हरभजन सिंह, विधायक दुर्गेश पाठक, जनरल सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहीदों ने सपना देखा होगा कि एक दिन हमारा भारत आजाद होगा, एक दिन भारत के अंदर सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, किसान खुश होगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा और सबके बीच में प्यार और मोहब्बत होगी। चोरी डकैती छीनी ते मारपीट और हत्या हो जाए तो भी एफआईआर नहीं होती है। पोस्टर चिपकाने के जुम्मे में 24 घंटे के अंदर 138 एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें एक प्रिंटर और बाकी पोस्टर चिपकाने वाले गरीब लोग शामिल है। यह क्या चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की तबीयत तो ठीक है? वह बोले, मुझे एक भाजपा वाला मिला है। उसने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं और मात्र 3 घंटे ही सोते हैं। मैंने उनसे पूछा कि 3 घंटे की नींद से काम नहीं चलता है, एक व्यक्ति को काम कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। नींद नहीं हुई आती है तो नींद की गोली ले लिया करे और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। अगर प्रधानमंत्री ठीक से नहीं सोएंगे तो सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे। उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा गया है, वो सारा दिन चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं कि किसको जेल में डालो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ रहेंगे तभी देश की तरक्की करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वालों ने मेरे खिलाफ भी पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिया है। मेरे पुलिस से विनती है कि किसी को भी गिरफ्तार मत करना, पोस्टर लगाना जनता का हक है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आज देश के सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर सीबीआई के छापे पर और बेहिसाब कैश मिला। उसके अगले दिन वो नेता जाकर प्रधानमंत्री के चरणों में गिर गया और अगले ही दिन भाजपा के शामिल हो गया। इसके अगले ही दिन उसके सारे केस बंद कर दिए गए। कई नाम लेते हुए वह बोले, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कर्नाटक में भाजपा नेता के बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के लोग जब भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर, बैंक लॉकर और गांव में 3-3 बार रेड हुई और कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद भी आज तक मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हुई। सत्येंद्र जैन के घर में भी कई रेड हुई और एक पैसा नहीं मिला, लेकिन आज तक उनको जमानत नहीं मिली है। ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया है, गुजरात के अंदर नकली शराब से अनगिनत लोग मर गए हैं, जबकि गुजरात में शराब बंदी है, इसके बावजूद वहां खुले आम शराब बिक रही है।
अडानी पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक जांच करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में अगर हमारा भी आदमी भ्रष्टाचार करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ की दिल्ली में सरकार चलाते हुए हमें 8 साल हो गए, इन 8 सालों से हम शहीद भगत सिंह के विचार के अनुसार सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर गरीब को अच्छी शिक्षा और हर परिवार में के लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार पार्टी है। मैं अफसरों की मीटिंग लेते समय देखता हूँ कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको घुमा देते हैं तो और आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई क्या कह गया है। अफसर यूं ही फाइलों पर साइन करा लेते हैं तो कोई भी बेवकूफ बनकर चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख दिया। आम आदमी पार्टी आपने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की कवायद के तहत 14 विपक्षी दलों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कथित मनमानी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपकी वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री अतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जो आरोपी राजनीतिक नेताओं के सभी दाग उस वक्त धो देती है जब वे आरोपी नेता भगवा पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले उन 14 राजनीतिक दलों में शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED जैसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी से पहले और बाद में अमल में आए लाए जाने वाले दिशा निर्देश जारी करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत 5 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। अतिशी ने संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भाजपा की तानाशाही, भाजपा द्वारा विभिन्न केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध का एक प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। वे भाजपा विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने और उन्हें फंसाने के लिए मामले दर्ज करते हैं। एक बार जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो सभी मामले खत्म हो जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंद्र अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनके खिलाफ मामले खत्म हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी सजा मामले से JDU ने बनाई दूरी, कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं हुई शामिल। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा के मामले में आज बिहार विधानसभा के प्रवेश द्वार से सदन तक महागठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन के सभी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया, मगर नीतीश कुमार की पार्टी JDU इस प्रदर्शन में नहीं पहुंची। महागठबंधन के नेताओं द्वारा बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला गया जिस पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस दौरान जमकर नारे भी लगाए गए। इससे पहले सदन में भी इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, मगर सदन के अंदर भी JDU के नेता चुप्पी साधे रहे। सदन के भीतर और बाहर सबसे अधिक आक्रामक कांग्रेस रही, क्योंकि उन्हें के नेता राहुल गांधी को सजा मिली थी, हालांकि फौरन जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि अदालत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहता है। जांच एजेंसियों का तो गलत इस्तेमाल हो ही रहा है, ये भाजपा की गलत लोक चुनाव से पहले विपक्ष के खिलाफ साजिश है जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष मुक्त भारत बनाने का षड्यंत्र रच रहा है, इसी के तहत झूठे केस लगाए जा रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।